अस्सलाम वालेकुम uh, दोस्तों आज हम रैन एंड मार्टन की लिखी हुई बहुत ही मशहूर किताब हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की एक्सरसाइज़ नंबर सिक्स को हल करने जा रहे हैं जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन रैन एंड मार्टन की जो बुक है बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है बहुत ही कारमद बुक है और इसकी जो सबसे अहम जो इसका पार्ट है वो है इसके एक्सरसाइज अगर आप ग्रामर और कंपोजिशन में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो मेरी ये तजवीज़ है कि आप इन एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करें और इनको हल करें और इनको हल करने में लाजमी बात है आपको दुशारी पेश आएगी इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया है इन वीडियोस का कि जिनमें हम आपको इन एक्सरसाइज़ को हल करने का तरीका बताएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे तो ये जो एक्सरसाइज नंबर सिक्स है ये एडजेक्टिव्स के बारे में है तो एडजेक्टिव्स के बारे में पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एडजेक्टिव्स होते क्या हैं तो एजेक्टिव जैसा कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो मेरी एक वीडियो है उसमें बता चुका हूँ और फिर एडजेक्टिव्स के काइंड्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है वो भी आप देख सकते हैं एडजेक्टिव्स ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में या किसी भी ज़बान में जो किसी नाउन को क्वालिफ़ाई करते हैं उसकी हमें ख़ूबी खामी बताते हैं या उसकी तादाद के बारे में बताते हैं तो एडजेक्टिव की जो इसकी जो बड़ी बड़ी कैंट्स हैं वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इनको हम डिस्क्रिप्टिव एजेक्टि भी कहते हैं और दूसरा इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वान्टी है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर इनको हम नोमिरल एजेक्टिवस भी कहते हैं और फिर इनमें फिर मुख्तलिफ कैटिगरीज हैं डेफिनेट नोमरल एजेक्टिव इनडेफिनेट नोमरल एजेक्टिवस और डिस्ट्रीब्यूटिव नोमिनल एडजेक्टिव्स इसी तरह डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं और इंट्रागेटिव एडजेक्टिव्स भी हैं और पोसेसिव एडजेक्टिव्स भी हैं तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की काइंड्स हैं एडजेक्टिव्स की और एम्फिसाइजिंग एडजेक्टिव्स और एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स भी इसमें शामिल किए जाते हैं तो इस एक्सरसाइज को हम देखते हैं और इसमें हम ये तलाश करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा एजेक्टिव इस्तेमाल किया गया है कौन से नाउन के साथ तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ जी तो इसमें एक्सरसाइज इन ग्रामर सिक्स और ये पेज नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की जो बुक है इसमें पेज नंबर ट्वेंटी टू के ऊपर आप देखें और इसकी इंस्ट्रक्शन इस तरह से हैं पिक आउट ऑल द एजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड से टू विच क्लास ईच ऑफ देम बिलोंग्स यानी हमने ये भी बताना है कि एडजेक्टिव कौन सा है और फिर उसकी क्लास भी बतानी है कि कौन सी कैटेगरी से इसका था आलोक है तो नंबर वन है द शिप सस्टेंड हैवी डैमेज अच्छा हमें पहले ना उनका पता होना चाहिए अगर हम किसी सेंटेंस में नाउन नहीं बता सकते कि नाउन कौन सा है तो एडजेक्टिव तलाश करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है तो पहले हमें नाउन को तलाश करना है द शिप सस्टेंड हैवी डैमेज इसमें यहाँ पर दो नाउन है पहला नाउन है शिप और दूसरा है डैमेज तो नाउन से पहले जो लफ्ज़ होगा वो एडजेक्टिव होगा ज़्यादातर वो क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करता है तो इसमें डैमेज से पहले देखें हैवी लगा हुआ है तो ये एडजेक्टिव है और ये क्वालिटी हमें बता रहा है यानी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है नंबर टू आई हैव कॉल्ड सेवरल टाइम्स तो इसमें पहले नाउन तलाश करें टाइम्स ये नाउन है और टाइम से पहले सेवरल सेवरल तादाद के लिए इस्तेमाल होता है तो ये नोमरल एडजेक्टिव है लेकिन नोमरल में यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये लेकिन ये चूँकि हमें कोई डेफिनेट नंबर नहीं दे रहा कोई मुस्तकिल कोई हिंसा नहीं बता रहा तादाद नहीं बता रहा तो ये इनडेफिनेट नोमिरल एडजेक्टिव है नंबर तीन है एवरी डाग हैज़ हिज डे अब इसमें देखें नाउन कौन से हैं बता सकते हैं आप जी इसमें दो नाउन हैं एक डॉग है और एक डे है डॉग से पहले एवरी आया है तो ये एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव जो है ये नोमिरल में आता है आ, लेकिन नोमिरल की जो थर्ड काइंड मैंने आपको बताई है डिस्ट्रीब्यूटिव क्योंकि ये एक हर एक डॉग की तरफ इशारा है अलग अलग तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव नोमिरल एडजेक्टिव है और उसके बाद दूसरा नाउन इसमें डे है और डे से पहले जो हिज आया है ये प्रोसेसिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं नंबर फोर है अ लाइव आस इज़ बेटर देन अ डेड लाइन इसमें भी नाउन तलाश करें एक इसमें आस है आस खचर को कहते हैं और लाइन शेर को कहते हैं तो आस से पहले लाइव है और लाइन से पहले डेड है तो ये दोनों लाइव एंडेड ये एडजेक्टिव हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है हमें क्वालिटी बता रहे हैं इन दोनों की नंबर फाइव है एवरी मैन हैज़ हिज़ ड्यूटीज़ इसमें दो नाउन है कौन कौन से हैं आप बता सकते हैं जी एक मैन है और दूसरा ड्यूटीज है जो कि प्लूरल है ड्यूटी का जमा है तो मैन से पहले एवरी लगा हुआ है ये भी वंस अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव नोमिरल एडजेक्टिव है और दूसरा जो ड्यूटीज़ है उसके साथ हिज लगा हुआ है तो हिज जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है ये पोसेसिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं नंबर सिक्स हाँ अगर आपको पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन के दरमियान फ़र्क की समझ नहीं आती तो इस बारे में मेरी वीडियो है उसका लिंक मैं इसी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ तो आप उसको ज़रूर देखिएगा तो आपका कहीं आइडिया कंसेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद है नंबर सिक्स से द सेम थिंग ट्विस्ट ओवर अब इसमें आ, देखें थिंग जो है ये नाउन है और उसके साथ जो है ना सेम ये एजेक्टिव है नंबर सेवन सेवीरल पर्सन वर प्रजेंट एट द टाइम अब इसमें पर्सनस इसमें टाइम भी इसमें नाउन है और पर्सन भी इसमें नाउन है तो पर्सन से पहले सेविरल लगा हुआ है और सेविरल का ताल्लुक तादाद के साथ है तो ये इनडेफिनेट नल एजेक्टिव है नंबर एट ही इज़ अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स अब देखें इसमें एक मेन है और इसमें दूसरा वर्ड्स है ये दोनों एडजेक्टिव दोनों नाउन हैं मेन से पहले ए लगा हुआ है इसको हम आर्टिकल कहते हैं या मॉडिफायर भी इसको कहते हैं तो वर्ड्स से पहले जो लव लग लगा हुआ है फ्यू फ्यू एडजेक्टिव है और इसको तादाद के साथ इसका ताल्लुक़ है तो हम इसको नोमरल एडजेक्टिव कहते हैं लेकिन तादाद चूँकि फिक्स नहीं है इसलिए ये इनडेफिनेट नमिरल एजेक्टिव है नंबर नाइन है नेदर पार्टी इज क्वाइट एंड द राइट अब देखें इसमें दो नाउन है इसमें पार्टी और राइट तो पार्टी से पहले जो नेदर का लफ्ज़ लगा हुआ है ये एजेक्टिव होगा और चूँकि ये तादाद की तरफ इशारा है कि कोई भी पार्टी जो है ना वो राइट नहीं है तो अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव नमिरल एजेक्टिव है क्योंकि दोनों की तरफ अलग अलग इशारा कर रहा है वाट नंबर टेन वाट टाइम इज एट अब इसमें टाइम नाउन है और नाउन से पहले जो लफ्ज आता है वो एग्जेक्ट होता है यहाँ पर वाट आ रहा है और ये जो कि क्वेश्चन है इंटरागेटिव सेंटेंस है लिहाजा वाट इसमें इंटरागेटिव प्रोनाउन है ये सेंटेंस नंबर अलेवन है विच पेन डू यू प्रेफर इसमें हमने वंस अगेन नाउन तलाश करना है तो यहाँ पर पेन नाउन है और इसमें कोई दूसरा नाउन नहीं है पेन से पहले जो लफ्ज़ आ रहा है वो है विच और ये चूँकि विच के जरिए क्वेश्चन बनाया जा रहा है तो इसको हम इंट्रागेटिव एडजेक्टिव कहते हैं विच इसमें एडजेक्टिव है और यह है इंटरागेटिव एडजेक्टिव जिसको हम सवाल या एजेक्टिव कहते हैं तो नंबर ट है दी वे वॉज लॉन्ग दंड वॉज खोल्ड दिन वॉज इन फॉर्म एंड ओल्ड अच्छा एजेक्टिव के बारे में मेरी एक, एक और वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम किस तरह प्रेडिकेटिवली एजेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं या एट्रीब्यूटिवली अगर नाउन से पहले आ जाए तो वो एट्रीब्यूटिवली इस्तेमाल होता है अगर नाउन के बाद वर्ब के बाद आ जाए जिस तरह इसमें देखें ना वे वाज लॉन्ग अब इसमें लॉन्ग एडजेक्टिव है जैसा कि आपको मालूम है लॉन्ग लंबे को कहते हैं लॉन्ग तो वे वे ये नाउन है अब देखें दरमियान में आ रहा है वर्ब तो वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है लॉन्ग इसको हम कहते हैं कि ये जो एडजेक्टिव है ये प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है तो ये ये इसमें एडजेक्टिव एज, है और ये हमें कोई तो क्वालिटी बता रहा है दी विंड वाज कोल्ड अब अगेन यहाँ पर कोल्ड एडजेक्टिव है लेकिन ये भी प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुआ है वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ है और इन फॉर्म एंड ओल्ड इन फॉर्म ये भी एडजेक्टिव है और ओल्ड ये भी एडजेक्टिव है सारे ऑफ क्वालिटी हैं लेकिन ये सारे ही प्रेडिकेटिवली इस्तेमाल हुए हैं उसके बाद नंबर थर्टीन ही खम्स है आर एवरी डे देखें इसमें डे दे, ये नाउन है ना ना और ना से पहले जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है एवरी इस्तेमाल हुई है यहाँ पर तो ये एजेक्टिव है ये एजेक्टिव है और ये चूँकि हमें कोई फ्रिक्वेंसी के बारे में बता रहा है तादाद के बारे में बताता है लेकिन वो फिक्स फिक्स नहीं है डेफिनेट नहीं है तो ये इनडेफिनेट नोमरल एडजेक्टिव है उसके बाद है नंबर फोर्टीन आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज अब अगेन हम इसमें नाउन तलाश करेंगे आई हैव नॉट सीन हिम फॉर सेवरल डेज इसमें डेज क्या है ये नाउन है तो नाउन से पहले वही सेवरल इस्तेमाल हुआ है सेवरल कई को कहते हैं तो अगेन ये नोमरल एडजेक्टिव है लेकिन इनडेफिनेट नोमिरल एडजेक्टिव है यानी हमें ये कोई फिक्स्ड फिगर नहीं दे रहा डेफिनेट फिगर नहीं दे रहा नंबर फिफ्टीन है दे आर शुड नाट बी मच ठाक एंड लिटल वर्क अब इसमें हम नाउन तलाश करते हैं शुड नाट बी मच ठाक ठाक इसमें नाउन है गुफ्तु को कहते हैं बात को कहते हैं और एंड लिटल वर्क वर्क भी इसमें नाउन है तो ये दोनों नाउन तलाश कर लिए अब ठाक से पहले मच है जो कि एडजेक्टिव है ज़्यादा ज़्यादा गुफ्तु नहीं होनी चाहिए और कम जो है ना काम नहीं होना चाहिए तो माची इसमें एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है ये हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मिकदार का जो एडजेक्टिव होता है और लिटल भी इसमें एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है तो आगे चलते हैं लेकिन बाकी जो इस एक्सरसाइज का हिस्सा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में